भिलाई चरोदा नगर निगम के सिरसा कला स्थित कंपोस्ट शेड के अंदर से लाखों रुपए के सामान की चोरी का मामला सामने आया है। पुरानी भिलाई पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के सामान सहित चोरी के सामान परिवहन करने में प्रयुक्त 2 पिकअप को जब्त किया है। भिलाई चरोदा नगर निगम के उप अभियंता हेमंत कुमार ने पुरानी भिलाई थाने में इस चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कबाड़ी प्रभाकर पांडे, अनिल यादव, बाल मुकुंद टिकेश्वर, सुपेला निवासी संत सिंह उर्फ बुग्गी, हर्ष कुमार सिंह, विजय विश्वकर्मा, गोविंद कुमार वर्मा और देवानंद निषाद को पकड़कर पूछताछ करने के बाद आरोपियों की निशानदेही पर चोरी का सामान कीमत लगभग 8 लाख रुपए सहित 2 पिकअप को बरामद कर लिया है। मामले की जानकारी भिलाई तिल थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष शर्मा ने दी। हेमंत कुमार, जो कि नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा में उप अभियंता के पद पर पदस्थ हैं, उन्होंने बताया कि ये 17/6/2022 को पुराना रिपोर्ट दर्ज कराया कि सिरसा कला के जो कंपोज सेट के अंदर रखे इनके जो पीएचई विभाग के एमजे कंप्रेशन ज्वाइंटर जो विभाग में मतलब काम आते हैं वाटर सप्लाई के लिए, वो लगभग 8 लाख रुपये की आसपास की मसरूका की संपत्ति की चोरी हुई है, जिस पर प्रकरण गंभीर होने से वरिष्ठ अधिकारीगणों को अवगत कराया गया। साथ ही हमारे जो CSP साहब हैं, उन्होंने मौके का निरीक्षण किया तत्काल और उसके बाद इसकी तत्परता से जो है फिर टीम गठित कर इसमें विवेचना की गई। विवेचना में जरिए मुखबिर से सूचना मिली कि प्रभाकर पांडे, पुरैना और उनके कुछ साथी इनके व्यक्तियों द्वारा जो है इनके द्वारा प्रयुक्त वाहन का उपयोग करके जो है यहाँ की संपत्ति को जो है चोरी किए थे। इस प्रकरण में कुल 9 आरोपियों को जो है गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।